बेटा मास्टर साहब को नजदीक बैठना, एग्जाम नजदीक आ गया है। हाँ कहिएगा तो लाड़ पकड़ के झूल जाएंगे। ना ना इतना भी करीब मत बैठ जाना, इस बार 400 नंबर लिया ना तो एगो आईफोन किन देंगे, वो भी तीनों कैमरा वाला। आईफोन लेके हम गाड़ मराएंगे, हमको खिलौना चाहिए। बेटा एक बार तुम पास हो जाओ फिर एक बुरा खिलौना किन देंगे, तुम खेलते रहना। हट, हमको खिलौना नहीं चाहिए, पहलौना चाहिए पहलौना, शादी करने का मन है हमको। क्या कर रहा है बेटा, अगल बगल लोग दिख रहा है। बेटा तुम पास हो जाओ, मैं वो भी जुगाड़ कर दूंगा। क्या रे किशोर, बहुत गुस्सा में है। अरे गुस्सा क्यों नहीं आएगा, मेरा बेटा पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना सब छोड़ दिया है, अब बोलता है एग्जाम में 550 नंबर लाऊंगा। कौन माधव चट बोला है, अगर ऐसा हुआ तो अपना मूंछ ना छिलवा के गांड मरवा लेंगे। अजय भाई गांड के दाव लगाके गलती कर रहे हैं, बात से मुकरिएगा नहीं, आप हमारे बेटा के बारे में जानते नहीं। आप भी हमारे बेटा को नहीं जानते हैं, रात रात भर ऑनलाइन क्लास में मियां खलीफा को जोनी सिंह चिल्लाले रहता है। वो तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा ऑनलाइन क्लास बढ़िया होता है या ऑफलाइन। एक बात और, बात से मुकरिएगा नहीं। बेटा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हो गया, गांड दाव पे लगा दिए हैं। क्या? वो किशोर है ना अपना घर के बगल वाला। हाँ तो क्या हुआ, उसको हम बोले हैं कि तेरा बेटा अगर मेरा बेटा से ज्यादा नंबर ले आया तो मैं अपना गांड मरवा लूंगा। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तैयार रहिएगा। क्या मेरा मतलब है मारने के लिए तैयार रहिएगा। हाँ सब बार का बदला एक ही बार में चुका लेंगे। बहुत साल पहले की बात है, एक अंग्रेज अधिकारियों को हम लोगों ने मिलकर ऐसा गान मारा कि यहाँ से भाग गया भोसरी वाला। वो सलाह जैया का बेटा कहीं हमसे बेसी पढ़ लिया, बेसी नंबर ले आया तो हमको बाप को उल्टे गान मार लेगा। एक बार देख के आते हैं पढ़ रहा है कि गान मारा रहा। अरे साला ये तो घोपा घोपी देख रहा है। घचक घचक घचक, साला हमसे बेसी नंबर कैसे ले आएगा, फेल तो होके रहेगा। वो भी तो घोपा घोपी देख रहा है, हम थोड़ा माल से बात कर लेते हैं, हमसे ज्यादा नंबर कैसे ले आएगा। आगे बेबी आते हैं रात को भथनपुर चौक पर। हाँ बाप से बात कर लिए हैं, बेसी नंबर लाएंगे सीधे उठा के ले आएंगे तुमको। ना बाप के गांड दाव पे लगा ले, थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक मिनट देख के आते हैं किशोर के बेटा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। क्या बात करती हो तुम, गरमाइले तो है ये हैं। इस साला तो अपना माल से बात कर रहा है। साला ऐसा नहीं कि हम माल से बतियाते रहें और अजय के बेटा पढ़ के पास हो जाए। एक मिनट देख क्या आते हैं उसको अभी। अरे बाबू तुमसे बाद में बात करते हैं ठीक है। जनन की वह प्रक्रिया जिसके पादक शरीर का कोई याचिका ना, एक बार और देख के आते हैं पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। क्यों बहुत जल्दी में है, थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए थे ना, मूड फ्रेश करने जा रहे हैं। अरे ऐसे क्यों नहीं बोलता है कि ज्यादा देख लिए हैं। अरे इसको कैसे पता है। हाँ तो तू कौन सा कम है, तू भी तो आजकल माल से खूब बात करता है। अच्छा हो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। बेटा आज एग्जाम है, लिख के पूरा पन्ना भर देना। अजय भाई तैयार रहिएगा टलवाने के लिए। शाम होने को आ गया है, अभी तक आया नहीं दोनों। अरे आ गया कैसे आपका बेटा, फेल हो गया होगा।
अरे वो देखिए मेरा बेटा आ रहा है। मेरा बेटा भी तो आ रहा है पीछे पीछे। अरे आओ बेटा बैठो बैठो, बताओ कितना नंबर लाया है, अभी इसको टेल देते हैं। अहो बाबू, जो जो क्वेश्चन याद किए थे ना सब आ गया ना, उसमें से एक भी नहीं आया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या, फेल हो गए? हमको तो पता था कि आपका बेटा फेल हो जाएगा। आओ बेटा बैठो बैठो बैठो, बोल बेटा कितना लंबर लाया है, अभी इसको पेन में छेनी सटा देते हैं। वो घर से पेन ले जाना ही भूल गए थे। अरे पेन ना भूला है, केको से लेके पास तो हो ही गया होगा। ना ला बेटा, जलने बिना शर्त लगा लिए हैं, मरवा लीजिए। अच्छा हुआ कि वो भी फेल हो गया, नहीं तो हमें तो गान मार लेता। आप भोसरे के तू घर है, फिर तुमको बताते हैं। आओ भोसरे के तुम भी घर पे, फिर बताते हैं। दिनेश लगाओ जोनी सिंस का वो क्लिप।